स्वागत है। आगे बढ़ने से पहले देखते हैं नगर की प्रमुख हलचलें। मकर संक्रांति का पर्व शहर में हर्षोल्लास के साथ मनाया गया। किसी ने मनाया 14 जनवरी को तो कोई मनाएगा 15 जनवरी को भी मकर संक्रांति का पर्व। गौशाला में उमड़ा आस्था का सैलाब। उपलक्ष में सिखवाल ब्राह्मण समाज द्वारा सिद्धेश्वर वाटिका में आयोजित किया गया रक्तदान शिविर। रक्तदान शिविर में बढ़ चढ़ कर लिया युवाओं ने भाग। सिंधी व पंजाबी समाज द्वारा हर्षोल्लास के साथ मनाया गया लोहड़ी का पर्व। समाज जनों ने अग्नि में तिल गुड़ डालकर की परिक्रमा। अज्ञात कारणों के चलते दो फैक्ट्रियों में लगी भीषण आग। रतलाम शहर के साथ ही आसपास की तहसीलों की भी दमकलें पहुंची मौके पर। बड़ी मशक्कत के बाद पाया आग पर काबू, कोई जनहानि नहीं। हर साल की तरह इस साल भी मकर संक्रांति 14 जनवरी के दिन मनाई जा रही है। वैसे कुछ लोग 15 जनवरी को भी मकर संक्रांति का पर्व मनाएंगे। हर साल की तरह इस साल भी मकर संक्रांति 14 जनवरी के दिन मनाई जा रही है। वैसे कुछ लोग 15 जनवरी को भी मकर संक्रांति का पर्व मनाएंगे। देश भर में मकर संक्रांति अलग अलग नामों और तरीकों से मनाई जाती है। मकर संक्रांति का पर्व धार्मिक मान्यताओं के मुताबिक अधिक महत्वपूर्ण होता है, जब सूर्य का एक राशि से दूसरी राशि में प्रवेश करता है, जिसे संक्रांति कहा जाता है। इस प्रकार सूर्य के मकर राशि में प्रवेश करने को मकर संक्रांति के नाम से जाना जाता है। धार्मिक मान्यता है कि मकर संक्रांति के दिन देव भी धरती पर अवतरित होते हैं, आत्मा को मोक्ष प्राप्त होता है, अंधकार का नाश व प्रकाश का आगमन होता है। लेकिन मकर संक्रांति का जितना धार्मिक महत्व होता है, उतना ही अधिक वैज्ञानिक महत्व भी होता है। मकर संक्रांति के बाद से वातावरण में बदलाव आ जाता है, नदियों में वाष्पन की प्रक्रिया शुरू होने लगती है। इससे कई सारी बीमारियां दूर हो जाती है। वैज्ञानिकों के मुताबिक सूर्य के उत्तरायण होने से सूर्य का ताप सर्दी को कम करता है। रतलाम शहर में भी मकर संक्रांति का पर्व बड़े हर्षोल्लास के साथ मनाया गया। गौशाला में श्रद्धालुओं ने, धर्मालुजनों ने गौ सेवा करते हुए पुण्य अर्जित किया। वहीं कालिका माता मंदिर सहित अन्य धार्मिक स्थानों पर श्रद्धालुओं ने धार्मिक परंपरा का निर्वाह करते हुए निराश्रित सेवा की। सिखवाल ब्राह्मण समाज द्वारा मकर संक्रांति के पावन अवसर पर जवाहर नगर स्थित सिद्धेश्वर वाटिका पर भव्य रक्तदान शिविर का आयोजन किया गया। सिखवाल ब्राह्मण समाज द्वारा मकर संक्रांति के पावन अवसर पर जवाहर नगर स्थित सिद्धेश्वर वाटिका पर भव्य रक्तदान शिविर का आयोजन किया गया। रक्तदान शिविर में समाज जनों द्वारा बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया गया। मकर संक्रांति के पावन पर्व पर हर कोई अपने स्तर पर मानव सेवा या प्राणी सेवा कर पुण्य लाभ अर्जित करने की कोशिश करता है। इसी क्रम में सिखवाल ब्राह्मण समाज द्वारा सिद्धेश्वर वाटिका सतपाल नगर में रक्तदान शिविर का आयोजन किया गया। रक्तदान शिविर का शुभारंभ क्षेत्रीय पार्षद श्रीमती आशा राजीव रावत व पार्षद श्रीमती सपना गौरव त्रिपाठी समाज प्रमुख ने दीप प्रज्वलित कर किया। तत्पश्चात समाजजनों द्वारा अतिथियों का शॉल श्रीफल के साथ सम्मान किया गया। वहीं समाज के युवाओं ने रक्तदान शिविर में बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। इस अवसर पर अध्यक्ष अशोक जी पांड्या, पृथ्वीराज जी व्यास, चंद्रप्रकाश जी व्यास, गोवर्धन व्यास, नारायण पांड्या, लादूराम बोहरा, शांतिलाल व्यास, मुरली व्यास आदि समाजजन समाज द्वारा लोहड़ी का पर्व परंपरा अनुसार मनाया गया। समाजजनों ने अग्नि में तिल गुड़ डालकर परिक्रमा की। लोहड़ी का पर्व नवीन फसल की तैयारी में मनाया जाता है, अतः यह खुशहाली का पर्व है। नव वर्ष में मकर संक्रांति, लोहड़ी, पोंगल समेत कई अन्य प्रमुख त्योहार मनाए जाते हैं। खासकर किसान वर्ग के लोग लोहड़ी पर्व को धूमधाम से मनाते हैं।
यह पर्व हरियाणा और पंजाब समेत उत्तर भारत के कई राज्यों में मनाया जाता है। इस दिन उत्तर भारत में उत्सव जैसा माहौल रहता है। वर्तमान समय में लोहड़ी की रात को आग जलाई जाती है। देवी काल से यह प्रथा चली आ रही है। लोग अग्नि प्रज्वलित कर धार्मिक गीत और नृत्य करते हैं। साथ ही अग्नि में तिल, गुड़, गजक, रेवड़ी और मूंगफली चढ़ाई जाती है। वहीं नवविवाहित शादीशुदा दंपत्ति आग में आहुति देकर परिक्रमा कर वैवाहिक जीवन में सुख और शांति की कामना करते हैं। माँ सती की याद में हर वर्ष लोहड़ी मनाई जाती है। अतः इस पर्व को माँ सती की अग्निकुंड के प्राण आहुति देने की याद में भी मनाया जाता है, इसलिए लोहड़ी पर आग जलाई जाती है। सिख समाज द्वारा न्यू रोड स्थित गुरु सिंह सभा गुरुद्वारा पर संध्या काल में कीर्तन करने के पश्चात लोहड़ी का पर्व मनाया गया। यहाँ पर समाजजनों द्वारा अग्नि में तिल, गुड़, गजक, रेवड़ी और मूंगफली चढ़ाते हुए आग की परिक्रमा की गई। अब वक्त है छोटे से ब्रेक का। मम्मी 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 क्या है, क्यों चिल्ला रहे हो? मम्मी प्लीज आप पापा को बाहर खाना खाने के लिए मनाओ ना। मैं नहीं बोलूंगी पापा को, पापा आए तो तुम ही बात कर लेना। मैं आज आल की सब्जी बनाऊंगी, तुमको वही खाना है। लो आ गए तुम्हारे पापा। संभालो अपने बच्चों को। क्या हुआ? आज फिर बाहर खाना खाने की जिद कर रहे हैं। आज हमारे स्टाफ में बात चल रही थी कि रतलाम में एक नया रेस्टोरेंट और भोजनालय खुला है। हमारे स्टाफ के कुछ लोग खाना खाकर भी आए, बड़ी तारीफ कर रहे थे उस खाने की, और उसका मेनू तुम देखोगी तो दंग रह जाओगी। अरे बजट भी कम है। तो चलो फिर। चलो बच्चो तैयार। हमारी विशेषताएं कंडे के सिके बाफले, पानीय और चूल्हे पर बनी मक्की की रोटी, केसर कस्तूरी फैमिली रेस्टोरेंट एवं भोजनालय, गणगोरिया हनुमान जी के पास, कनेरी रोड रतलाम। फोन नंबर 831-9022-320। रतलाम के डोसी गांव स्थित प्लास्टिक फैक्ट्री में भीषण आग लग गई। आग से फैक्ट्री में रखे प्लास्टिक मटेरियल और अन्य सामान जलकर खाक हो गए। रतलाम के डोसी गांव स्थित प्लास्टिक फैक्ट्री में भीषण आग लग गई। आग से फैक्ट्री में रखे प्लास्टिक मटेरियल और अन्य सामान जलकर खाक हो गए। आग इतनी भीषण थी कि चार दमकल वाहनों से भी आग पर काबू पाने में 2 घंटे से अधिक समय लगा। आग इतनी भीषण लगी थी कि आसपास की तहसीलों की दमकल को भी आग बुझाने के लिए बुलवाना पड़ गया। आग लगने के कारण के बारे में जानकारी नहीं लग सकी है। गनीमत रही कि इस आगजनी में किसी प्रकार की जनहानि नहीं हुई। भीषण आग की सूचना मिलने पर औद्योगिक थाना पुलिस सहित प्रशासन के अधिकारी भी मौके पर पहुंचे। जानकारी के अनुसार शुक्रवार रात करीब 9 बजे रतलाम इंडस्ट्रियल एरिया डोसी गांव स्थित प्लास्टिक फैक्ट्री में भीषण आग लग गई थी। इसके बाद पास की एक अन्य फैक्ट्री में भी आग लग गई। सूचना मिलते ही दमकल की कई गाड़ियां आग पर काबू पाने के लिए मौके पर पहुंची। रतलाम सहित सैलाना, धामनोद और नामली की गाड़ियों की मदद से इस भीषण आग पर काबू पाया गया। आग इतनी भीषण थी कि 1 किलोमीटर दूर तक आग की भीषण लपट नजर आई। बहरहाल आग के लगने की वजह और आग में हुए नुकसान का आकलन करने में फैक्ट्री संचालक लगे हुए हैं। रोगियों और धार्मिक स्थलों पर बांध कर रखे जाने वाले मरीजों को अब
अमान्य स्थिति में नहीं रखा जा सकेगा। रतलाम के जावरा स्थित हुसैन टेकरी शरीफ में रह रहे मानसिक रोगियों और धार्मिक स्थलों पर बांध कर रखे जाने वाले मरीजों को अब अमानवीय स्थिति में नहीं रखा जा सकेगा। सुप्रीम कोर्ट में लगी पीआईएल के बाद स्टेट मेंटल हेल्थ अथॉरिटी की टीम रतलाम के हुसैन टेकरी परिसर के दौरे पर पहुंची थी, जहां चेन से बांध कर रखे जाने वाले मरीज और सीवरेज के पानी में बैठे रहने वाले मानसिक रोगियों के उपचार और पुनर्वास को लेकर कलेक्ट्रेट परिसर में बैठक भी आयोजित की गई। रतलाम कलेक्टर द्वारा बुलाई गई इस बैठक में स्वास्थ्य, पुलिस, स्टेट मेंटल हेल्थ अथॉरिटी की टीम और हुसैन टेकरी कमेटी शामिल हुई, जिसमें मानसिक रोगियों को मानवीय स्थिति में नहीं रखने और दुआ के साथ मरीजों के उपचार दिए जाने पर निर्णय लिए गए। दरअसल जावरा स्थित हुसैन टेकरी शरीफ परिसर में सैकड़ों मानसिक रूप से बीमार रोगियों को उनके परिजन लेकर पहुंचते हैं, जहां कई मानसिक रोगियों को जंजीर में बांधकर और सीवरेज के गंदे पानी में बैठाया जाता है। हुसैन टेकरी परिसर में मानसिक रोगियों की मानवीय स्थिति को लेकर एक पीआईएल दाखिल की गई थी, जिस पर स्टेट मेंटल हेल्थ अथॉरिटी की टीम जावरा के हुसैन टेकरी शरीफ के दौरे पर पहुंची थी। बैठक में निर्णय लिया गया कि हुसैन टेकरी परिसर में रोगियों को उनके परिजन ऐसी स्थिति में नहीं रखें, इसके लिए परिजनों की भी काउंसलिंग की जाएगी। वहीं मानसिक रूप से बीमार रोगियों को उपचार के लिए मनोचिकित्सक की उपस्थिति सुनिश्चित कर ओपीडी शुरू किया जाएगा। उद्देश्य ये था कि जो जावरा की हुसैन टेकरी है, वहाँ जो लोगों जो विभिन्न जो मानसिक रोगी हैं, वो या तो जो शौचालय के पानी में रहते हैं, या उनको हाथों में उनके परिवार के लोग हथकड़ियाँ लगा के रख देते हैं, ये इन मुद्दों को लेके लेते हुए जो पीआईएल लगी है उसके ऊपर विचार करने की बैठक थी। इसमें हमने सभी लोगों को पुलिस, मेडिकल कॉलेज, हेल्थ, सोशल जस्टिस का के पदाधिकारी, जन अभियान परिषद और इवन हुसैन टेकरी के जो प्रबंधक हैं, जो समिति है, उनको भी बुलाया। और एक बहुत अच्छी बात हमारे सामने ये आई है कि जो हुसैन टेकरी के लोगों ने भी इस बात को बहुत मन से, आप लोगों के सामने जो ओपन डिस्कशन हुआ उसमें स्वीकार किया कि लोगों को दुआ के साथ साथ में दवा की ज़्यादा ज़रूरत है। और यही कारण है कि उन्होंने इसमें बढ़ चढ़ कर कल भी जो दल गया था उसको काफ़ी सहयोग दिया और आज भी उन्होंने पूरे सहयोग की बात करी है। और हम लोगों ने जो एक समग्र जो चर्चा करने के बाद जो एक वो विचार निकाला है वो ये है कि सबसे पहले तो वो वहाँ के लोगों की जो सूची देंगे। आज के लिए बस यहीं तक, फिर मुलाकात होगी नई सुर्खियों के साथ। तब तक के लिए नमस्कार। मकर संक्रांति का पर्व शहर में हर्षोल्लास के साथ मनाया गया। किसी ने मनाया 14 जनवरी को तो कोई मनाएगा 15 जनवरी को भी मकर संक्रांति का पर्व। गौशाला में उमड़ा आस्था का सैलाब। पर्व के उपलक्ष में सिखवाल ब्राह्मण समाज द्वारा सिद्धेश्वर वाटिका में आयोजित किया गया रक्तदान शिविर। रक्तदान शिविर में बढ़ चढ़ कर लिया युवाओं ने भाग। सिंधी व पंजाबी समाज द्वारा हर्षोल्लास के साथ मनाया गया लोहड़ी का पर्व। समाजजनों ने अग्नि में तिल गुड़ डालकर की परिक्रमा। अज्ञात कारणों के चलते दो फैक्ट्रियों में लगी भीषण आग। रतलाम शहर के साथ ही आसपास की तहसीलों की भी दमकलें पहुंची मौके पर। बड़ी मशक्कत के बाद पाया आग पर काबू, कोई जनहानि नहीं।